तो आज की हमारी मूवी है दी किंग, और इस कहानी की शुरुआत होती है 15th सेंचुरी इंग्लैंड में, जहां पर हम ऑर्सपर नाम के एक रिबेल को देखते हैं जिसने स्कॉटलैंड के खिलाफ एक और जंग जीत ली होती है। और यहां पर ऑर्सपर ने कई सालों तक इंग्लैंड के लिए लड़ते हुए अपने कई आदमियों को खो दिया था, और अब वो जंग जीतने के बाद इंग्लैंड के राजा से वेल्स में रह रही उसकी फैमिली के लिए जमीन मांगता है, जिसका कि राजा ने प्रॉमिस किया था। लेकिन यहाँ पर राजा अपने प्रॉमिस से मुकर जाता है। अब इस बात पे ऑर्सपर को काफी गुस्सा आ जाता है, और वो उसे गुस्से में याद दिलाता है कि किस तरीके से उसने और उसकी फैमिली ने कई दशकों तक उसकी और उसकी फैमिली की सेवा की है, और उसके कई फैमिली मेंबर्स तो इंग्लैंड के लिए मारे भी गए हैं। और ये कहकर ऑर्सपर गुस्से में वहां से उठ के चला जाता है। अब इसकी दूसरी तरफ हम राजा के बेटे राजकुमार हेनरी को देखते हैं, जो कि महल से कहीं दूर शहर में एक आम आदमी की तरह रहता है। और हेनरी को अपने पिता के राज और पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, और वो खुद अपना सारा दिन शराब और प्रोस्टिट्यूट्स के साथ गुजारता है। और शहर में हेनरी का जॉन नाम का एक दोस्त है, जो कि कभी एक सोल्जर था, और वो भी अब हेनरी के साथ सारा दिन बस शहर में अय्याशी करता है। अब एक दिन राजा के महल से एक मैसेंजर आता है, जो कि हेनरी से कहता है कि राजा की तबीयत आजकल काफी खराब रहती है, और वो हेनरी से मिलना चाहते हैं, लेकिन हेनरी महल जाने से मना कर देता है। तब यहाँ पर जॉन हेनरी को समझाता है कि अगर उसके फादर उससे बिना मिले मर गए तो हेनरी को काफी रिग्रेट होगा, और वो सारी उम्र इसी गिल्ट में रहेगा कि वो अपने फादर से नहीं मिल पाया, तो इसलिए उसे अपने फादर से जाके मिलना चाहिए। अब अगले दिन हेनरी महल वापस जाता है, और वहाँ सभी बड़े मिनिस्टर्स के सामने उसका फादर उसे वही बताता है जो कि हेनरी पहले से ही जानता था। जहाँ पे राजा कहता है कि हेनरी भले ही उसका बड़ा बेटा हो, लेकिन अपने बाद वो राजा तो अपने छोटे बेटे प्रिंस थॉमस को ही बनाएगा। और यहाँ पर राजा हेनरी से कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम राजा नहीं बनना चाहते, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि तुम्हें मैं ये एक बार बता दूं, और ये बात मुझे राज दरबार में सबके सामने कह देनी चाहिए। लेकिन हेनरी को राजा के इस फैसले से कोई दिक्कत नहीं होती, बल्कि वो तो खुश होता है ये सुन के कि उसका छोटा भाई आगे जाकर के उसके फादर की जगह लेगा। लेकिन जैसे ही हेनरी को पता चलता है कि उसके पिता के आदेश पे उसका छोटा भाई थॉमस ऑर्सपर की आर्मी से लड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्सपर ने इंग्लैंड के खिलाफ रिबेल कर दिया था। अब ये जानकर हेनरी काफी गुस्से में आ जाता है, क्योंकि उसका मानना होता है उसके फादर की पाली हुई दुश्मनी बच्चों को नहीं निभानी चाहिए, और साथ ही में उसे पता होता है कि उसके छोटे भाई को ऑर्सपर जितना लड़ाई का एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन थॉमस हेनरी की बातों को इग्नोर कर देता है। अब यहाँ पर हेनरी शहर वापस जाकर अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाता, और वो सारी रात कल की जंग और अपने छोटे भाई के बारे में ही सोच रहा होता है। और अगले दिन हेनरी जंग के मैदान में चला जाता है, और उसे वहाँ पर देखकर थॉमस चौंक जाता है। और यहाँ पर हेनरी उसे भरोसा दिलाता है कि वो यहाँ आकर थॉमस की रॉयल्टी नहीं छीनना चाहता, बल्कि वो यहाँ बस उसकी हेल्प करने आया है ताकि उसे कोई हार्म ना हो। तब वहाँ पर हेनरी एक मैसेंजर के थ्रू ऑर्सपर को एक मैसेज भिजवाता है, और उसमें वो उसे सिंगल कॉम्बैट के लिए चैलेंज करता है ताकि उनकी लड़ाई से इस जंग का फैसला हो सके, और हजारों सोल्जर्स को अपना खून ना बहाना पड़े। और ऑर्सपर अपने फादर के मना करने पर भी इस 1-to-1 कॉम्बैट के लिए हाँ कर देता है, और लड़ाई शुरू होती है, और दोनों ही अच्छे फाइटर्स की तरह फाइट कर रहे होते हैं, और तलवार के छूट जाने पर भी दोनों ही हाथों से लड़ रहे होते हैं। और काफी देर तक लड़ने के बाद हेनरी अपने पास से एक खंजर निकालता है और ऑर्सपर को मार डालता है, और इस फाइट को जीतकर हेनरी दोनों साइड्स के हजारों सोल्जर्स की जान को बचा लेता है। लेकिन थॉमस अपने बड़े भाई के एक्शन से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, और वो कहता है कि मुझे इस फौज के सामने एक लीडर की तरह दिखना था, पर तुमने मेरा क्रेडिट चुरा लिया। और तब हेनरी वहां से चला जाता है। अब शहर वापस आकर हेनरी ऑर्सपर को मारने के लिए काफी रिग्रेट करता है, क्योंकि ऑर्सपर इंग्लैंड के लिए काफी समय तक लड़ा था, और वो यहाँ पर कई दिनों तक ड्रिंक करके नशे में रहता है। और अब कुछ दिनों बाद राजा का सबसे खास सलाहकार और चीफ मिनिस्टर विलियम हेनरी से मिलने आता है, और उसे इन्फॉर्म करता है कि उसका छोटा भाई थॉमस वेल्स की लड़ाई में मारा गया है, और किंग बीमारी की वजह से अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं, और मैं अब तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम महल वापस चलकर इंग्लैंड पे राज करो, वरना बिना कोई लीडर के दूसरे देश इंग्लैंड पर हमला कर देंगे और हमारे देश की आम जनता खतरे में आ जाएगी। अब अपने भाई की मौत से गुस्से में आकर हेनरी अपने पिता से मिलने जाता है,
और उनके मरने से पहले वो उनसे मॉन्स्टर कहता है, लेकिन वहाँ पर उसके फादर उसे इंग्लैंड की जिम्मेदारी देकर खुद मर जाते हैं। अब सभी मिनिस्टर्स और आर्मी के सभी बड़े लोग हेनरी के आगे अपना सर झुकाते हैं और अगले ही दिन हेनरी को इंग्लैंड का राजा बना दिया जाता है। अब हेनरी का पुराना सामान लेने के लिए जब महल के कुछ सोल्जर्स हेनरी के शहर वाले घर जाते हैं तो उसके यहाँ पर जॉन को सोता देख कर वो लोग उसे वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं कि इंग्लैंड के नए किंग तुझ जैसे शराबी से दूर रहना चाहते हैं। और यहाँ पर हेनरी को इंग्लैंड का नया किंग बनाने की सेरेमनी पूरी होती है और रात को इंग्लैंड के नए किंग के लिए महल में शाही डिनर होता है और हेनरी वहाँ पर दूसरे देश के राजाओं के भेजे हुए गिफ्ट को ओपन करता है और गिफ्ट में आई एक गोल्ड की ट्रॉफी वो अपनी बहन और डेनमार्क की क्वीन फिलिपा को दे देता है और एक चाबी से चलने वाली बर्ड वो अपने कजिन और कैम्ब्रिज के प्रिंस को दे देता है। और लास्ट गिफ्ट थोड़ा अजीब होता है जो कि फ्रांस के राजा ने भेजा होता है जिसमें बिना कोई मैसेज के एक बॉल होती है जिससे कि हेनरी ये कहकर एक्सेप्ट कर लेता है कि ये बॉल उसे अपने बचपन की याद दिलाती है। लेकिन डिनर के नेक्स्ट दिन विलियम हेनरी से कहता है कि ये सिंपल बॉल भेजकर फ्रांस के राजा ने आपकी इंसल्ट की है क्योंकि वो शायद आपको एक बच्चा समझ बैठे हैं और हमें इस इंसल्ट का कोई बदला लेना चाहिए। लेकिन हेनरी किसी भी रिटेलिएशन के लिए मना कर देता है और कहता है कि अभी हमें अपने देश के इंटरनल मैटर्स पर ध्यान देना चाहिए और किसी दूसरे देश से इतनी सी बात पर जंग करना कोई समझदारी नहीं है। अब डेनमार्क लौटने से पहले हेनरी की बहन फिलिपा उससे कहती है कि कोर्ट के सलाहकार और मिनिस्टर हमेशा अपने इंटरेस्ट और फायदे की बात करते हैं, इसलिए कभी भी उनकी सलाह पर आंख बंद करके भरोसा मत करना और इंग्लैंड के लोगों को हमेशा एक समान ट्रीट करना। अब कुछ दिनों बाद आर्क बिशप फ्रांस में हो रहे क्रिश्चियन लोगों के ऊपर अत्याचार को बताता है, पर हेनरी बातों से जल्दी बोर हो जाता है और कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके फादर क्या चाहते थे, लेकिन वो अभी फ्रांस और जेरूसलम पर कोई अटैक नहीं करना चाहता क्योंकि वॉर में पहले ही उसके फादर काफी ज्यादा खून बहा चुके हैं। लेकिन हेनरी के इस एटीट्यूड से बड़े मिनिस्टर्स और फादरी काफी नाराज हो जाते हैं और यहाँ पर विलियम हेनरी को समझाता है कि अब हेनरी को एक देश के राजा की तरह सोचना चाहिए और दूसरे देशों को जवाब ना देकर वो रॉयल कोर्ट के सामने एक कमजोर किंग होने का एग्जाम्पल सेट कर रहा है। और उधर शहर में जॉन अब अकेला रह जाता है और अब हेनरी के ना रहने से उसके पास अपना किराया देने के लिए भी पैसे नहीं होते और अब बार में भी उसकी उधारी बंद हो जाती है और शहर के लोग भी उसे अब बुरी तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। और बार में जॉन कहता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड अब इस देश का राजा है, लेकिन बार की ओनर उससे कहती है कि इंग्लैंड का किंग अब कभी तुझसे मिलने नहीं आने वाला क्योंकि तू एक रिटायर्ड रंग सोल्जर है। अब महल में सोल्जर्स हेनरी को एक कैदी से मिलवाते हैं जो कि हेनरी से कहता है कि वो इंफॉर्मेशन के बदले इंग्लैंड की सिटीजनशिप चाहता है और वो बताता है कि वो एक असासिन है जिसे फ्रांस के राजा ने हेनरी को मारने के लिए हायर किया था। और रॉयल कोर्ट के सभी मेंबर्स के अकॉर्डिंग फ्रांस के राजा का इंग्लैंड के राजा के ऊपर अटैक प्लान करना एक जंग की शुरुआत मानी जानी चाहिए। लेकिन हेनरी फ्रांस के राजा को एक चिट्ठी भिजवाता है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो लड़ाई ही चाहते हैं तो एक कातिल को भेजने की बजाय अपनी पूरी फौज को भेज दें ताकि हम ऑफिशियली लड़ सकें। लेकिन हेनरी के इस डिसीजन पे भी सवाल उठने लगते हैं और अब सभी को ये लगने लगता है कि हेनरी एक वीक राजा है जो कि इंग्लैंड को यूनाइट नहीं कर सकता। और हेनरी के कजिन प्रिंस कैम्ब्रिज को और लॉर्ड ग्रे दो राज्यों को एक फ्रांस एजेंट अप्रोच करता है और उनसे इंग्लैंड को छोड़कर फ्रांस में मिलाने का ऑफर देता है और उस ऑफर को वो दोनों विलियम से शेयर करते हैं और वो दोनों कहते हैं कि उन्हें अपने नए राजा पर भरोसा नहीं है और फ्रांस का ऑफर भी काफी बढ़िया है। लेकिन विलियम उनसे हेनरी पर भरोसा रखने को कहता है और अगले दिन विलियम हेनरी से मिलता है और उससे कहता है कि अब हम फ्रेंच लोगों को अब और अवॉइड नहीं कर सकते और अगर अब तुमने जल्दी कोई डिसीजन नहीं लिया तो इंग्लैंड की यूनिटी खतरे में आ जाएगी। और अब हेनरी ना चाहते हुए भी फ्रांस के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देता है क्योंकि अपने करीबी राज्यों को अपने साइड करने की डील देके फ्रांस ने तीसरी गलती करी होती है। और साथ में ना चाहते हुए भी हेनरी अपने कजिन और लॉर्ड ग्रे की गर्दन कटवा देता है क्योंकि उन्होंने इंग्लैंड का साथ छोड़कर फ्रांस का साथ देने का सोचा। अब यहाँ पर हेनरी जंग में जाने से पहले शहर के एक बार में जाकर जॉन से मिलता है और इतने समय से उससे ना मिलने के लिए उससे माफी मांगता है। और हेनरी जॉन को अपनी आर्मी को कमांड करने के लिए मदद मांगता है क्योंकि वो सिर्फ जॉन पे ही भरोसा कर सकता है। और अब जॉन मान जाता है और इंग्लैंड के नए राजा को अपने सारे बार का उधार चुकाने के लिए बोलता है
और कुछ हफ्तों बाद हेनरी इंग्लैंड की फौज के साथ समुद्र के रास्ते फ्रांस के लिए निकलता है और वहाँ पे पहुँच के वो एक खाली पड़े गांव को अपना बेस कैंप बनाते हैं और इंग्लैंड की फौजें पेड़ों को काटकर फ्रांस के किलों के सामने एक तरह की कैटापल्ट गुलेल तैयार करते हैं और उनसे उन किलों पर अटैक करते हैं। लेकिन दो दिनों तक लगातार अटैक करने पर भी फ्रांस के लोग बाहर नहीं आते और रॉयल मिनिस्टर्स अब एंजाइटी में आने लगते हैं और कहते हैं कि हमें महल पर सोल्जर्स के साथ अटैक करना चाहिए। लेकिन हेनरी कहता है कि हमने उन्हें हर तरफ से घेरा रखा है और हमें अपने सोल्जर्स को खतरे में नहीं डालना चाहिए क्योंकि वो लोग जल्द ही बाहर आएंगे। और तब हेनरी का अंदाजा बिल्कुल सही होता है और भूख और प्यास से बेहाल होकर हैनफर का राजा बाहर आकर हेनरी के सामने सरेंडर कर देता है और हेनरी से रिक्वेस्ट करता है कि औरतों और बच्चों को बंदी ना बनाएं। और इंग्लैंड की फौज औरतों और बच्चों को वहां से जाने देती हैं। और अब इंग्लैंड की फौज के कैंप में फ्रांस का प्रिंस लुईस आता है और हेनरी को एक कहानी के थ्रू वार्न करता है कि अगर वो लोग उसकी कंट्री से अभी बाहर नहीं लौटे तो वो हेनरी और उसकी आर्मी का बहुत ही बुरा हाल करेगा। और तब हेनरी मानता है कि उसकी कहानी बेहद इंटरेस्टिंग है, लेकिन वो लुईस को बिना कोई जवाब दिए गुड नाइट कह के टेंट से बाहर चला जाता है। और बाहर जॉन को वो अपने इंग्लैंड के सोल्जर्स को लेकर फ्रांस की तरफ आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है। अब अगले दिन इंग्लैंड की फौज कुछ और किलोमीटर्स आगे बढ़कर अपने कैंप सेटअप करती हैं और तीन छोटे इंग्लिश बच्चे जंगल में लकड़ियां लेने जाते हैं। लेकिन फ्रांस के फ्रेंच सोल्जर्स उन तीन में से दो बच्चों को जंगल में ही बेरहमी से मार डालते हैं और मैसेज के तौर पर तीसरे बच्चे के हाथ में उन दो बच्चों के सर वापस भेजते हैं। अब लुईस की ये दरिंदगी देखकर हेनरी काफी गुस्से में आ जाता है और जॉन को ऑर्डर देता है कि हमारे पास जो फ्रेंच के कैदी हैं उन सभी के सर काटकर स्पाइक के सहारे नदी के किनारे लटका दो। पर जॉन राजा का ये हुक्म नहीं मानता और उससे कहता है कि अभी तुम काफी गुस्से में हो, पर हम दोनों जानते हैं कि हम उस संखी लुईस की तरह खून के प्यासे मेनियक नहीं हैं। अब अगले दिन हेनरी अपनी पूरी फौज के साथ और आगे बढ़ता है और तब उसे हिल के पास पहुंचकर एक चौंका देने वाला सरप्राइज मिलता है और वो देखता है कि उसकी सेना के सामने लुईस की लीडरशिप में फ्रेंच आर्मी के कैंप लगे हैं जो कि गिनती में उनकी फौज से डबल हैं। और अब रॉयल लोग हेनरी को वापस लौटने की सलाह देते हैं क्योंकि इंग्लैंड की फौज अपने से दो गुना बड़ी फौज के सामने जीत नहीं पाएगी। पर तभी जॉन हेनरी से कहता है कि हमें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। और जॉन वहां पर कहता है कि दोनों आर्मीज के बीच में जो वहाँ पर ग्राउंड है वो काफी डीप है और क्योंकि आज उसके घुटने में दर्द हो रहा है तो उसे पूरा यकीन है कि आज यहाँ पर बारिश होगी और कल बारिश से वो ग्राउंड पानी और कीचड़ से भर जाएगा। और जॉन कहता है कि कल फ्रेंच आर्मी अपने हथियारों और घोड़ों के साथ हैवी आर्मर पहनकर लड़ने वाली है, लेकिन बारिश की कीचड़ में वो इतने हैवी आर्मर पहनकर कीचड़ के साथ ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम एक छोटी टुकड़ी बेट के तौर पर वहाँ पर भेजकर उन्हें इस चाल में फंसा देते हैं तो वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और हमारे बाकी सोल्जर्स बिना मेटल सूट के बिना हैवी हथियारों के साथ साइड से उनके ऊपर हमला कर देंगे। और क्योंकि हमारे पास अच्छे तीरंदाजों की भी कमी नहीं है इसलिए उसे हराना पॉसिबल हो सकता है। लेकिन रॉयल मिनिस्टर्स जॉन के प्लान को एकदम बेवकूफी भरा कहते हैं, पर हेनरी को जॉन पर पूरा भरोसा होता है और वो कहता है कि अगर आज रात को बारिश हो गई तो कल हम इसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर जॉन की प्रेडिक्शन बिल्कुल सच साबित होती है और उस रात वहाँ पर बारिश होती है और अगली सुबह सभी जंग के लिए रेडी होने लगते हैं। और हेनरी अपसेट होता है ये देखकर कि जॉन उस पहली छोटी टुकड़ी में जाने वाला है जो कि फ्रेंच आर्मी के लिए एक बेट की तरह काम करेगी और उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। अब एक आखिरी बार खून खराबे से बचने के लिए हेनरी लुईस को भी ऑक्सफर्ड की तरह वन ऑन वन चैलेंज करता है, लेकिन लुईस उस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि वो अपनी दुगने साइज की आर्मी पर पूरा कॉन्फिडेंट होता है। और वो कहता है कि हेनरी ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि वो हारने वाला है और वो लड़ाई से डरता है। जिसके बाद हेनरी वापस अपनी फौज के पास आता है और उन्हें इनकरेज करने के लिए एक ब्रेवरी की स्पीच देता है, जिसके बाद वो अपनी फौज के साथ साइड के पेड़ों में छुप जाता है और जॉन बेट की टुकड़ी के साथ आगे बढ़ता है। और ओवर कॉन्फिडेंट लुईस इस बेट में फंस जाता है और अपनी आधी फौज जॉन की तरफ भेज देता है। लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से हेनरी के आर्चर्स अपने हजारों तीरों से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और फ्रेंच सोल्जर्स और उनके घोड़े उस कीचड़ में गिर जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि जॉन ने प्रेडिक्ट किया था। और अब जॉन और उसकी टुकड़ी कीचड़ में घुसकर लुईस की आर्मी को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। पर जब लुईस अपने बाकी सोल्जर्स को भी
उस कीचड़ की तरफ भेजता है। तब साइड के पेड़ों में से हेनरी के बाकी सोल्जर्स भी निकलकर बिना आर्मर्स और घोड़ों के पैदल ही फ्रेंच सोल्जर्स पर हल्के हथियारों से अटैक कर देती है और एक के बाद एक जॉन की सभी प्रेडिक्शंस सही साबित होती हैं और बिना मेटल आर्मर्स और घोड़ों के इंग्लैंड के सोल्जर्स गिनती में कम होने के बावजूद भी कीचड़ में फंसी फ्रेंच आर्मी पर भारी पड़ते हैं और आधी से ज्यादा फ्रेंच आर्मी को खत्म कर देते हैं। और अब तक लुईस भी ये समझ जाता है कि वो ये जंग हार रहा है, इसलिए अब वो हेनरी को वन ऑन वन बैटल के लिए चैलेंज करता है। लेकिन अपने हैवी आर्मर की वजह से लुईस बार बार कीचड़ में फिसल कर गिर रहा होता है और खुद को एम्बेरस कर रहा होता है। इसलिए हेनरी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने सोल्जर्स को इशारा करता है जो कि लुईस को वहां पर मार डालते हैं और लुईस के मरते ही बचे हुए फ्रेंच सोल्जर्स भी अपने हथियार डाल देते हैं और वहां पर जीते हुए सोल्जर्स हेनरी के लिए नारे लगाने लगते हैं। पर हेनरी इस जीत को सेलिब्रेट नहीं कर पाता क्योंकि उसे अपने दोस्त जॉन की डेड बॉडी मिलती है जो कि बेट वाली आर्मी के साथ लड़ते हुए मारा गया था। तब यहाँ पर हेनरी गुस्से में आकर बचे हुए फ्रेंच प्रिजनर्स को मारने का ऑर्डर देता है। अब एक दिन बाद फ्रेंच का किंग हेनरी के पास सरेंडर के लिए आता है, पर उसकी सरेंडर करने की एक कंडीशन होती है कि हेनरी की शादी उसकी बेटी प्रिंसेस कैथरीन से होगी ताकि इस रिलेशनशिप से दोनों ही फैमिली के बीच एक अच्छी रिलेशनशिप बन जाए और फिर कभी दोनों देशों को आपस में लड़ना ना पड़े। और तब हेनरी इस कंडीशन के लिए मान जाता है और वापस से इंग्लैंड के लिए निकल जाता है जहाँ पर इंग्लैंड के लोग अपने जंग में जीते हुए राजा को और उसकी नई रानी को देखने के लिए वेट कर रहे होते हैं। पर पब्लिक में जाने से पहले हेनरी एक बार कैथरीन से मिलता है, पर कैथरीन उससे कहती है कि वो अपने आप को खुद को तब तक सबमिट नहीं करेगी जब तक हेनरी खुद उसकी रिस्पेक्ट अर्न नहीं करता। और साथ ही में वो हेनरी से पूछती है कि उसने आखिर उसकी कंट्री पर अटैक ही क्यों किया। और कैथरीन उससे कहती है कि उसके फादर एक मैच्योर और रीजनेबल राजा हैं जो कि कभी भी वॉर नहीं चाहेंगे और उन्होंने कभी हेनरी को मारने के लिए कोई असासिन या गिफ्ट में कोई बॉल नहीं भेजी थी। अब यहाँ पर हेनरी को डाउट होने लगता है और साथ ही में उसे अपनी बहन फिलिपा की कई हुई बातें याद आने लगती हैं और वो विलियम को मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है हमारे सोल्जर्स को वो असासिन कैसे मिला था जो कि फ्रांस से मुझ पर अटैक करने के लिए आया था। जिस पर विलियम बार बार अपनी कहानी बदलने लगता है, पर जब हेनरी उससे पूछता है कि जब फ्रांस को जीतने के बाद वहाँ की जमीनों पर कब्जा करके उसे कितने लाखों का फायदा हुआ है, तब विलियम सच बोल देता है और कहता है कि उसी ने हेनरी को फ्रांस पर अटैक करने के लिए उकसाया था क्योंकि बिना जंग के किसी भी देश में शांति नहीं आ सकती और उसी की वजह से अब इंग्लैंड का एम्पायर और भी ज्यादा बड़ा हो गया है और दोनों ही देशों में दोस्ती भी हो गई है। और विलियम घुटनों में बैठकर हेनरी से माफी मांगता है और कहता है कि ये जंग बेहद जरूरी थी, पर हेनरी उसी वक्त एक खंजर से उसे वहीं पर मार डालता है क्योंकि उसकी वजह से दोनों तरफ हजारों की संख्या में सोल्जर्स की जान चली गई। अब विलियम को मारने के बाद पब्लिक अपीयरेंस से पहले हेनरी कैथरीन से मिलने आता है और वो उससे कहता है कि वो उससे कुछ नहीं चाहता सिवाय एक प्रॉमिस के कि वो आज के बाद हमेशा उसे सच बोलेगी। और कैथरीन उससे प्रॉमिस करती है और कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, शब्बा खैर, सायोनारा।